बी अवेयर, सावधान रहो। ब्यावर की धरा पर प्रचलित यह स्लोगन कोई आज का नहीं बल्कि कर्नल जॉर्ज डिक्सन के जमाने से ब्यावर के आसपास होती लूट डकैती के समय से विख्यात है। अपने पुराने नाम बी अवेयर से माना जाने वाला ब्यावर पहले ही यहाँ के लोगों को सावधान रहने की सलाह देता रहा है, लेकिन कलयुगी जीवन में लालच का चश्मा और रहनुमाओं की अंधविश्वासी भक्ति इस कदर हावी हुई कि मानो सभी पापों के भरे घड़ों पर बस पत्थर मारने की देरी है। बुधवार को भी सावन के महीने में भगवान शिव के दूत बनकर ब्यावर धरा पर उतरी एसीबी ने कुछ ऐसा ही शिकंजा मारा। हालांकि इस शिकंजे में विष का प्याला कलयुगी रिश्तेदार शिव प्रसाद ने पिया, लेकिन उसका जहरीला रंग सभापति बबीता चौहान दंपति पर देखा गया। ब्यावर की प्रथम नागरिक के पद पर आसीन बबीता चौहान पर भ्रष्टाचार का दाग अब धुले नहीं धुल सकता। ब्यावर की धरती पर सौदेबाजी का खेल चाहकर भी धोखेबाजी में तब्दील नहीं हो सकता। भू रूपांतरण के नाम पर 2.25 लाख रुपए की रिश्वत ब्यावर नगर के इतिहास में एक और काला दिन जोड़ गई। 2.5 लाख की आबादी के शहर में जनप्रतिनिधि पर जनता का विश्वास खो गई। सत्तारूढ़ भाजपा के राज में एसीबी की कार्रवाई निसंकोच ईमानदारी का लेबल है, लेकिन इसके विपरीत भाजपा के ही सिरमोर पर कसा शिकंजा भाजपा पर ही काला दाग है। मुख्यमंत्री राजे की गौरव यात्रा अपने कार्यकाल में विकास के दामों का झंडा लहरा रही है। इधर सत्तारूढ़ी नुमाइंदे अपनी काली करतूतों का डंका बजवा रहे हैं। यहां करतूतों की खुशियां फर्श से अर्श तक एक दूजे के आशीर्वाद पर फलती फूलती रही है। कोई इसे दूध का धूला मान रहा है तो कोई दूध से जली छाछ को फूंक फूंक कर पीने की सलाह दे रहा है। राजनीतिक करियर की शुरुआत भले ही राजनीति की चटाई पर नौसिखिया के रूप में हुई हो, लेकिन तब से लेकर अब तक का सफर किसकी अंगुली थाम कर तय किया गया। अपनों के गढ़ में अपनों सा व्यवहार, अपनों के बीच प्यार दुलार, अपन अपना और रिश्वत बटोरना, क्या यही था असल सपना? यहाँ अपनों के सपनों में ही ब्यावर उलझ कर रह गया, लेकिन कई सवाल छोड़ गया। विधायक आयुक्त सभापति की तिगड़ी पर शुरू से उठती खिलाफत की बुझती चिंगारी फिर से इस प्रकरण से सुलगती नजर आ रही है। विष्ट पैटर्न बहुमंजिला इमारत सहित कई मामलों में रिश्वतखोरी की हवा अब अपना ठोर ढूंढने लगी है। भरोसे की नाव में बैठी जनता अब सवाल पूछने लगी है। अपने ख्वाबों के आशियानों को सच कर जनता की उम्मीदों का घर क्यों तोड़ा गया? चिकित्सक के अलावा एक जनप्रतिनिधि द्वारा भी सभापति की शिकायत करना उनके दर्द को बयां करता है। सवाल तो यह भी है कि ब्यावर की धरा पर आखिर रिश्वतखोरी की जरूरत क्यों महसूस की जाने लगी? भविष्य में विशाल इमारतों का निर्माण ब्यावर में रिश्वतखोरी के दम पर कितना टिक पाएगा? यदि नियमों के तहत निर्माण हो रहा है तो फिर रिश्वतखोरी क्यों? यदि रिश्वतखोरी है तो फिर निर्माण में धांधली कितनी? सिक्का किसी भी पहलू पर नजर आए, पर इतना साफ है कि नुकसान ब्यावर का ही है। वोटों के लिए झुकते सिर और जुड़ते हाथ बाद में ऐसे ही रिश्वत के बेदाग गुलाबी नोटों से सजने लगेंगे तो कांटों की जुबन जनता को ही सहनी होगी। माजरा जनता की भलाई का कितना भी हो, लेकिन खुद की भलाई में रिश्वतखोरी क्या ब्यावर के भविष्य से गद्दारी नहीं है? रिश्वत के बलबूते ब्यावर में इमारतों के निर्माण की धांधली कहीं भविष्य में बड़े हादसों को दस्तक ना दे दे। ईश्वर गवाह है, ब्यावर में इससे पहले भी लालच और लापरवाही ने कई लोगों की जान ली है। सभापति ट्रैप मामले में बिचौले सहित पति की गिरफ्तारी कुछ राजनीतिक खिलाड़ियों को उनके बिल में भेजने में कामयाब हुई, लेकिन पूछताछ में उगले राज तीर बनकर कहीं ना कहीं बिलों का पता ढूंढ लेंगे। उगले राज में उछलते नाम जनप्रतिनिधियों के पद पर तो दस्तक दे चुके हैं, लेकिन चर्चित नामों का असमंजस कुछ लोगों के दिलो दिमाग की कसरत करवा रहा है। न केवल सीधा जुड़ाव बल्कि सफाई कर्मी भर्ती सहित आय से अधिक संपत्ति मामले में भी एसीबी ने नकेल कस ली है। अब देखना यह है कि एसीबी द्वारा रिश्वत से जुड़ी मामले की परतें कितनी खुरेदी जाती है। खुलते राज उगलते नाम, कार्रवाई की रफ्तार आने वाला समय तय करेगा, लेकिन स्वीकार करना होगा कि राज्य की पहली नगर परिषद के मुखिया का ताज दागदार हो गया। कुलभूषण उपाध्याय की रिपोर्ट, जे स्काई न्यूज़।